राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो गया है। 3 दिनों के मंथन के बाद कांग्रेस ने 2024 की अपनी राजनीतिक वापसी की लड़ाई का रोड मैप तय कर लिया है। वहीं चिंतन शिविर में बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कोई दल बीजेपी को हरा सकता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियां नहीं हरा पाएंगी। राहुल गांधी के दिए इस बयान पर क्षेत्रीय पार्टियां भड़क उठी हैं। दरअसल राहुल गांधी ने रविवार को बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आरएसएस बीजेपी की विचारधारा देश के लिए खतरा है। मोदी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी से देश की रीढ़ तोड़ दी है, तो अब लोग लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मामलों से जूझ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान क्षेत्रीय पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो केवल कांग्रेस है, क्षेत्रीय पार्टियों के पास ऐसी विचारधारा नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके। राहुल गांधी के बयान पर क्षेत्रीय दलों ने पलटवार करते हुए इसे बचकाना बताया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि चिंतन शिविर का निष्कर्ष अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस देश की राजनीति के लिए कितनी खतरनाक है। वहीं आरजेडी के पार्षद रामबली सिंह ने कहा, अभी के समय में बीजेपी काफी मजबूत है, उसे परास्त करने के लिए क्षेत्रीय पार्टी का सहयोग के बिना कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी क्षेत्रीय पार्टी पर कटाक्ष करते हैं और दूसरी ओर बिहार में क्षेत्रीय पार्टी के पिछलग्गू बने हुए हैं। परिवारवाद पार्टी का यही हश्र होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।